hello everyone welcome to europe education i am jitendra tyagi so there is a very very important news very good news for many of the students who were looking for a job with bhel uh, many students have applied for a bhel job and uh, they announced the form filling last year but they did not conduct the exam yet okay but now uh, your waiting period is over they have announced the examination date

जिसका बहुत टाइम से बच्चे वेट कर रहे थे इन डेट्स को नोट कर लीजिए ठीक है अभी जून चल रहा है सो वी हैव जून जुलाई अगस्त अराउंड थ्री मंथ्स वी है ओके सो थ्री मंथ्स ड्यूरेशन इज ए गुड टाइम टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, एंड द एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल बिफोर फिफ्टीन डेज ऑफ द एग्जामिनेशन डेट ओके सो तेईस तारीख है तो आठ अगस्त से लगभग आपके एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएंगे तो जिन भी बच्चों ने बी का फॉर्म ऑलरेडी फिल किया हुआ है वो सारे एक्टिव मोड में आ जाएं आप ठीक है क्योंकि ऐसा होता है कई बार एग्जाम का कोई डेट पता नहीं होता तो थोड़ा सा हो जाता है और शेड्यूल नहीं बन पाता स्टडी का तो ऐसे सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने बी का फॉर्म फिल किया है थिंग्स एंड देन यू कैन क्लियर दिस एग्जामिनेशन एग्जाम नाउ इफ वी टॉक अबाउट वेकेंसी वीकेंसी हेयर जो इसमें नंबर ऑफ पोस्ट थी सिविल इंजीनियरिंग में फोर्टी मैकेनिकल थर्टी आई टी कंप्यूटर साइंस ट्वेंटी इलेक्ट्रिकल फिफ्टीन सो अराउंड वन फिफ्टी पोस्ट वर देयर इन दिस एग्जामिनेशन टेन पोस्ट वर इन एच आर एंड ट्वेंटी वर इन फाइनेंस सो नॉट ओनली टेक्निकल बैकग्राउंड पीपल बट ऑल्सो एच आर एंड फाइनेंस ऑल दीज स्टूडेंट्स मस्ट बिकम एक्टिवेटेड नाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस गुड जॉब ओके now you know uh, last year we started a module for bhl preparation and we conducted the classes because we were hoping the examination earlier it was not conducted okay so we have completed the syllabus of civil engineering and mechanical engineering and we have recorded all these lectures so now these lectures which were conducted for bhl examination these are available with your education these are available okay you can get these videos by joining module for this BHL preparation. so earlier we conducted classes for civil and mechanical and now what for it and computer science students? right now there is a current module going on that is for nic examination and you know nic examination pattern, bhl examination pattern, almost same kind of pattern. and okay. so those from it and computer science background who have applied for bhl exam and they want to prepare दे कैन टेक हेल्प ऑफ दिस मॉड्यूल ओके जो एनआईसी का मॉड्यूल अभी चल रहा है करंट में हमारा उसमें जो भी रिकॉर्डेड सेक्शन आ, आ है वो सारा वहां पर अवेलेबल है सो आई टी स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर सकते हैं उस मॉड्यूल को ओके okay? और बाकी जो सिविल और मैकेनिकल के हैं उनके लिए तो ऑलरेडी अवेलेबल है सारा कंटेंट ठीक है तो वो सारा रिकॉर्डेड फॉर्म में आप देख सकते हैं नाउ कम टू द मोड्यूल्स Which are available right now at Europedia Education for this BHL examination. Okay, so there is package one for BHL mechanical engineering. Okay, so if any new student, okay, who did not join earlier, okay, and who never joined earlier any Europedia module, so any new student who applied for BHL and who want to prepare for BHL exam, okay, through the help of recorded lectures. इन सिस्टमेटिक वे ओके सो ही मॉड्यूल कोर्स इज टू थाउजेंड वन हंड्रेड फॉर न्यू स्टूडेंट ठीक है मकैनिकल का जो भी बच्चा है अगर वो प्रिपेयर करना चाहता है थ्री आपको ऑलरेडी आपने कोई ना कोई एग्जाम की प्रिपरेशन की हुई है सारी चीजों को एक बार रिवीजन करना है सारे सब्जेक्ट्स का ठीक है सो so, जो भी नया स्टूडेंट है वो इस मॉड्यूल को मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अगर बच्चा है ज्वाइन कर सकता है 2100 में उसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर सारे अवेलेबल करा दिए जाएंगे ओके अगर कोई ओल्ड स्टूडेंट है ठीक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से सो ओल्ड स्टूडेंट का मतलब आपने कोई भी मॉड्यूल मॉड्यूलिया का अगर लिया हुआ है अर्लियर आपने पोस्ट गेट काउंसिलिंग ली है ठीक है कोई भी मॉड्यूल आपने अर्लियर लिया है आप ओल्ड स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हैं यूरोपीड एजुकेशन में तब आप इस मॉड्यूल को ज्वाइन कर सकते हैं ओल्ड स्टूडेंट इसका जो कॉस्ट है दैट इज वन तो ओल्ड स्टूडेंट के लिए हमेशा डिस्काउंट यहां पे अवेलेबल रहता है तो ये मॉड्यूल रहेगा आपका वन फाइव जीरो में सिविल के लिए बच्चे नए ज्वाइन करेंगे उनको भी सेम तरीके के मॉड्यूल अवेलेबल होंगे ठीक है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस आईटी के लिए आप एग्जीक्यूटिव को कॉल कर सकते हो रिगार्डिंग दैट ठीक है इफ यू आर इंटरेस्टेड नाउ वॉट अबाउट एनरोल्ड एजुकेशन है क्योंकि हमने बी एच एल के लिए कंडक्ट की क्लास थी, क्लास थी, क्लास थी और बच्चों ने ज्वाइन किया था ठीक है तो काफी बच्चे हमारे जो ऑलरेडी बी एच एल के लिए ज्वाइन कर चुके थे ठीक है बट जो यूरोपीडिया एजुकेशन की मॉड्यूल्स होते हैं उनके एक वैलिडिटी होती है कि इस ड्यूरेशन तक ही आपका मॉड्यूल वैलिड होता है ठीक है तो चूंकि एग्जाम कंडक्ट हुआ नहीं तो जो वैलिडिटी का पीरियड था वो ओवर हो चुका है तो जो स्टूडेंट्स बी एच एल में एनरोल किए हुए हैं ठीक 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 है 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 एजुकेशन के 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 साथ 2022 में अभी जिन्होंने किया था एग्जाम लिए उन उन बच्चों बच्चों पैकेज हो चुके हैं हैं एक्सपायर तो उन बच्चों को वरी करने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपके ना जो बच्चे वैलिडिटी ऑफ पैकेजेस टिल द एग्जामिनेशन ओके अगस्त में होगा तो अगस्त तक की हम वैलिडिटी इसकी इंक्रीज कर रहे हैं उसका आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर अवर स्टूडेंट्स ओके सो जो भी बी में एनरोल किया है एयरपीडी एजुकेशन के साथ और बी के एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहता है वापस एक्टिवेट मोड मोड में आ जाए और आपके कुछ टाइम लगेगा इट मे टेक टू और थ्री और फोर डेज ठीक है बिकॉज थोड़ा टाइम लगता है वन बाई वन स्टूडेंट्स को वापस उनकी वैलिडिटी को एक्सटेंड करने में बट तीन चार दिन के अंदर हम ये सबकी वैलिडिटी बढ़ा देंगे जिन्होंने बी एच एल का मॉड्यूल ऑलरेडी लिया हुआ है पहले ओके okay? चिंता करने की जरूरत नहीं है तो जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए अपने अपने हिसाब से जो भी आपको पॉइंट लगता है अकॉर्डिंगली यू कैन टेक द डिसीजन ओके सो सिविल इलेक्ट्रिकल सॉरी सिविल मैकेनिकल एंड कंप्यूटर आईटी इनके लिए अब मॉड्यूल बीएचएल के लिए अवेलेबल है नए बच्चे हैं ज्वाइन कर, कर सकते हैं ओल्ड स्टूडेंट है ज्वाइन कर सकते हैं ऑलरेडी बी में है उनकी वैलिडिटी बढ़ जाएगी ओके सो आई बी ऑफ यू ऑल द बेस्ट एक अच्छा एग्जाम है अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आपने तैयारी की हुई है बस वापस सारी चीजें रिवाइज करनी है सो कम बैक टू एक्टिव मोड एंड प्रिपेयर वेल ओके ऑल द बेस्ट